हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक स्मिथ में। आज हमारी स्टॉक रिपोर्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में और चर्चा करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया कंपनी के बारे में। तो चलिए एक एक करके इसके फीचर्स को देखते हैं। दोस्तों, ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की प्रीवियस क्लोजिंग 263.8 पे हुई थी। हमारे पिछली वीडियो 14 जुलाई को जो हमने पब्लिश किया था, इसके एंड में वोट ऑफ थैंक्स पार्ट में हमने आपको बताया था कि हम ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। उस वक्त उसकी प्राइस 15% कम थी। जी हाँ दोस्तों, अराउंड 230 के पास में थी और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मिस कुछ लोगों ने की होगी। और कुछ लोगों अगर उस टाइम पर उस वीडियो को ध्यान दिया होगा और इसके फंडामेंटल्स को चेक किए होंगे तो उन्होंने शायद इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। बट चिंता की कोई बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आते जाते हैं, दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी, इसमें स्ट्रांगली चांस है। ये निफ्टी फार्मा सेक्टर में काम करती है और इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 65,000 करोड़ है और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अराउंड 3,760 करोड़ के आसपास है। तो ये अराउंड 58% की शेयर होल्डिंग बनती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिमेनिंग 42% कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, ये 42% प्रमोटर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एज ऑन 30 जून जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि 42% प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है और रिमेनिंग जो है वो नॉन प्रमोटर्स के पास में है। तो प्रमोटर्स में कौन है? तो प्रमोटर्स में आप देख सकते हैं कि ची गुरुपति फैमिली जो है इनके पास शेयर होल्डिंग दिखाई दे रहा है 10%। यहाँ देख सकते हैं कि श्री कृष्ण प्रसाद इनके नाम पर है, ये भी ची गुरुपति के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कृष्ण प्रसाद ची गुरुपति, ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये करेंटली द मैनेजमेंट है एंड प्रमोटर होल्डिंग में भी इनका नाम देख सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, पहले कंपनी का फंडामेंटल समझेंगे और इसके बाद टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है। ये मिड कैप कंपनी है, 1991 पे ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। 98% की जो सेल्स रेवेन्यू है ये आती है फार्मास्यूटिकल बिजनेस से। दोस्तों, इसके स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को देखते हैं और समझते हैं कि इसकी बिजनेस किस तरह से चल रही है। सेल्स आप देख सकते हैं लगभग 743 करोड़ हुई है। ये क्वार्टरली बेसिस में जून क्वार्टर के एंड में जो रिजल्ट आया था इसमें 52% की बिजनेस ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो -38% है प्रीवियस क्वार्टर एंड क्वार्टर के कंपेरिजन में। ये कमज़ोर है, नेचुरल है, कोविड के टाइम पर थोड़ा बिजनेस डाउन हुआ था। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये 109.97% की ग्रोथ इसने दी है और प्रॉफिट जो था नेट प्रॉफिट अराउंड 125 करोड़ की हुई है। पॉजिटिव ग्रोथ है, ये समझिएगा, 125 करोड़ का बिजनेस हुआ है। पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम है परसेंटेज में, लेकिन प्रॉफिट 125 करोड़ का हुआ है। तो ये पॉजिटिव आउटलुक है। ऑफकोर्स EPS थोड़ा कम हुआ है, हम आगे चल के देखेंगे EPS TTM किस तरह से मूव कर रहा है। दोस्तों, ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पीयर्स के साथ इसकी अगर कंपैरिजन करें तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ दे रहा है। इवन इंट्राडे में आप देख सकते हैं जिस तरह की ग्रोथ ये देता है वैसे बाकी उन्हें नहीं दिए। इनफैक्ट अगर आप इसकी एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो 178% की ग्रोथ है, नियरली 3 times पैसा बढ़ गया एक साल के अंदर में। इसके साथ में क्लोजेस्ट जो मल्टीबैगर आता है वो है JB कैम फार्म। दोस्तों, हमारे मंगल मल्टीबैगर्स की वीडियो में पिछली बार JB कैम फार्म पब्लिश हुआ था और हो सकता है, उम्मीद है आपने इसको देखा होगा। FDC भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और फिलहाल थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, साइड वे मूवमेंट्स ज़्यादा है और JB कैम भी थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट ये ऑल बूम करने की पोजिशन में है। सो ग्रैन्यूल्स इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर कंपनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। दोस्तों, अगर हम लोग प्रीवियस 3 months की रिटर्न की एनालिसिस करें, रिस्क और रिटर्न किस तरह से रहा है, तो आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर इटसेल्फ हैज़ गिवन अबाउट 18.7% रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 months। और अगर इसको हम कंपेयर करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के साथ में
तो नियरली 58.55% पैसा बढ़ा है पिछले 3 महीने में। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट 3 मंथ्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की। दोस्तों चलिए लास्ट सेक्शन देखते हैं इस कंपनी का वैल्यूएशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बुक वैल्यू है अराउंड 73 है और करेंट मार्केट प्राइस अराउंड 264 ट्रेड कर रहा है। क्लियरली द रेशियो इज 3.61। ये काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड मानी जाती है करेंटली, ये हम समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न से। हवेवर जो सेंटीमेंट्स हैं वो 50% पे है, यानी कि इंडस्ट्री जो है फार्मा की वहाँ पर पी रेशियो अराउंड 32 चल रही है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है अराउंड 15 के आसपास है। तो दिस शोज़ दैट सेंटीमेंट्स आर नॉट सो स्ट्रांग फॉर दिस कंपनी। लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं EPS TTM is at around 18 rupees, so ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है। डिविडेंड से मिसलीड मत होइएगा, अराउंड 100% दिया है। 100% का मतलब है ऑन द फेस वैल्यू जो 1 है उसके अगेंस्ट में ये वैल्यू आती है 100%। रियलिटी में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिस इज़ अबाउट 1 जो फेस वैल्यू है उसका 100%, दैट मीन्स 1 रुपी दिया गया है डिवाइडेड बाई 264.05 एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है, दिस इंटू 100, तो दैट इज़ अराउंड 0.38%। तो यहाँ पर वो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से आप उसे समझ सकते हैं। नॉर्मली जो डिविडेंड परसेंटेजेस रहते हैं वो इन कंपैरिजन टू फेस वैल्यू होते हैं। फेस वैल्यू के हिसाब से 100% डिविडेंड दी गई थी, लेकिन अगर आप कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस सो देन इट विल बी कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। यस द मोस्ट अवेटेड सेक्शन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ब्रॉड व्यू बनाया। फेब्रुवरी के टाइम पे इस कंपनी ने अपना एक हाई बनाया था 189 पे, और यहाँ पर ही उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था। इस रेजिस्टेंस को करेंटली जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा है इसी दौरान इसने वेरी स्ट्रांगली ब्रेक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक किया था इसने। ब्रेकआउट के बाद में ये फिर से उसके पास में आया और अब ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन बन गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये FNO में लिस्टेड नहीं है एंड देयरफॉर इसकी हमने FNO एनालिसिस नहीं की है। ओनली टेक्निकल ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस में हम ट्रेडिशनल मेथड में समझेंगे कि इसकी नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी किस वैल्यू पे आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने दोबारा फिर से एक हाई बनाया था। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। अगर आप ये ब्लू डॉटेड लाइन को देखें ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट। और हमने RSI और COG मेथड को इस्तेमाल किया था। आप ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन सजेशन बॉक्स में हम एक कार्ड प्लेस करेंगे इस वीडियो को, आप देख सकते हैं। ये RSI प्लस COG की टेक्निक है, हमारी ओल्ड टेक्निक है, हमने खुद इसे डेवलप किया था, स्टॉकस्मिथ ने इसे बनाई हुई है। तो आप इस टेक्निक को देख सकते हैं अगर ज़्यादा समझना चाहते हैं कि ये टेक्निक किस तरह से काम करती है। काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, साथ में हमने आगे पब्लिश किया था। ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं एबट इंडिया के बारे में हमने एक स्पेशल टेक्निक अपनी दी थी, और हमने MACD के बारे में टेक्निक्स दी थी, बुलिंजर बैंड प्लस EMA के ऊपर टेक्निक दी थी। ये 3 हमारे स्पेशल टेक्निक्स हैं और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इसके बारे में हम देंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है एट अराउंड 218 रुपीज़ पे। अगला अपॉर्चुनिटी जो हमें दिखाई दे रहा है वो है अराउंड 232 पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ये वैल्यू आई थी, हमने हमारे पिछले वीडियो में वोट ऑफ थैंक्स पार्ट में भी बताया था कि हम अगला वीडियो इसके पब्लिश करेंगे। काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी तेज़ी से ये ऊपर चला जाएगा। ये 15% का ब्रेकआउट कर चुका है, दैट इज़ ओके। ये हमारा एक्चुअल टारगेट था, हमने प्लानिंग किया था कि अराउंड 270 का टारगेट रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच चुका है। बट कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से स्टॉक नीचे आएगा, 230 एंड 218 के पास में आएगा, हम फिर से बाइंग करेंगे इस रेंज के बीच में। और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे प्रीवियस साइड ट्रेंड में, जब ये स्टॉक गया था यहाँ पर देख सकते हैं आप साइडवेज गया था काफ़ी दिनों के लिए, और इसके बाद ये बूम हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, पेशेंस रखना होगा। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि GTT या GTC फीचर्स के इस्तेमाल करने के लिए, ये ऑटोमेटेड बाय ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हैं
232 पे आप प्लेस कर सकते हैं, 230 पे प्लेस कर सकते हैं, 225 पे प्लेस कर सकते हैं, 218 पे प्लेस कर सकते हैं, 220 पे प्लेस कर सकते हैं, 215 पे प्लेस कर सकते हैं। आप 20% 20% 30% 30% या फिर 20% 40% 40%, जिस हिसाब से आपको समझ में आता है आप उसे स्टैगर्ड मैनर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट पर आएगा इधर में आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, साथ ही साथ आप सेल ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। सेल ऑर्डर्स के लिए आप टारगेट रख सकते हैं, मे बी अराउंड 270 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन यू कैन ऑल्सो प्लेस अ स्टॉप लॉस एट अराउंड 205। बाय एनी चांस अगर स्टॉक नीचे जाता है तो यू कैन प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, हमने काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। इसकी मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, RSI 77 पे है। आप इसके फंडामेंटल को भी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन है इसका और आप इस स्टॉक में अच्छे बाय प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पेपर ट्रेडिंग भी फिलहाल कर सकते हैं, अभी आप पेपर ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं किस तरह से किया जाता है। हमारे मार्केट ट्रेंड्स एनालिसिस के अगले वीडियो के बाद में हम पेपर ट्रेडिंग पार्ट टू लेके आएंगे, जहां पर हम बताएंगे कि पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके किस तरह से हमने कम समय में सिर्फ 2 महीने में 9 लाख रुपये का अर्निंग किया है और काफ़ी ईजी है। हमने वीकली में भी हार्डली 1 आवर स्पेंड किया होगा पेपर ट्रेडिंग की मदद से। हमने काफ़ी सारे जो स्टॉक्स मल्टीबैगर्स के आपको बताए थे उन्हीं को हमने सिलेक्शन किया है और उसके बारे में हमने एक अच्छा वीडियो बनाने की सोची है और हम उसे कल या परसों तक में पब्लिश करेंगे। तो उस वीडियो को आप देखिए किस तरह से मल्टीबैगर्स में इन्वेस्टमेंट करके वेरी शॉर्ट पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न्स आप पा सकते हैं। 1 करोड़ का उसमें पेपर ट्रेडिंग में डमी ट्रेड है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने किया था, वो पेपर ट्रेडिंग है जहाँ पर 1 करोड़ का कैपिटल दिया जाता है, दैट इज़ अ डमी, नकली मनी है, वर्चुअल मनी है। तो उसको इन्वेस्टमेंट करके हमने 10% का रिटर्न पाया है, 9 लाख प्लस उसमें रिटर्न्स हुआ है। तो उसके बारे में वो वीडियो में डिटेल में हम दिखाएंगे, आप उसे देखिएगा और अगर कोई सवाल है तो हमें पूछिएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसके जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स रिसर्च और एनालिसिस के बारे में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।